हेलो गाइस, जय हिंद। हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद चौरसिया में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस 84-15 का फाइनली मेरिट रिजल्ट के विषय में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उस रिजल्ट के विषय में आज इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करने जा रहे हैं दोस्तों कि कब आएगा रिजल्ट, नहीं आएगा। तो आप कंटिन्यू इस वीडियो पे बने रहे हैं, लास्ट तक देखते रहे हैं कि आखिर रिजल्ट के विषय में कब तक रिजल्ट दे रहा है, नहीं दे रहा। तो इससे पहले हम आप लोगों को बता दें दोस्तों कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस से हर एक रिलेटेड वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को जानकारी मिलते रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। हम सबसे पहले ये बता देना चाहता है, सब्सक्राइब उन लोगों कीजिएगा जिन लोगों के लिए ये चैनल ज़रूरतमंद हो, जिन लोगों के लिए लगे कि ये चैनल सही है, हम इसकी इससे जानकारी ले करके हम सही कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिनको ये इस चैनल पे विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो अभी भी आप इस चैनल से जा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम बिहार पुलिस 84-15 के विषय पर, इसका फाइनली मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो इससे पहले हम आप लोग को बताए थे कि हम जा रहे हैं फिलहाल अभी छुट्टी में, एक दिन या दो दिन जितना दिन का छुट्टी मिले, सिर्फ एक दिन का छुट्टी हम लिए हैं सिर्फ इसी के विषय में कि जाके पटना में जानकारी ले लें, और उसके बाद जानकारी लेने के बाद पूरी जानकारी मिल जाए तो हम आप लोग को बता सकें। इसलिए लिए छुट्टी कि हम वहाँ जाना हमको है पटना, उसके बाद बच्चे का मेरा बर्थडे भी था, इसके विषय में चलो दोनों को रिलेटेड लेकर के हम काम कर लेंगे दोनों का। और अगर पूरे जानकारी लेना चाहते हैं कि हम कहाँ गए नहीं गए, तो मेरा ब्लॉग चैनल पे अगर आप लोग हैं तो देख भी लिए होंगे, देख ले सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। और अगर ब्लॉग चैनल पे नहीं है तो फिर से जा करके अरविंद चौरसिया ब्लॉग्स नाम से है, तो आप सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ से। तो बात करते हैं दोस्तों बिहार पुलिस 84-15 का फाइनली रिजल्ट के विषय में। तो इससे पहले बता दें कि कितने डेट आए और कितने डेट चले गए, जैसे में कि 23 तारीख का कंफर्म डेट था, 29 तारीख का डेट था, 30 तारीख का डेट था, ये सारे डेट आप लोग के सामने आया और चला भी गया, कोई डेट में रिजल्ट नहीं आया। तो दोस्तों, अब आएगा किस डेट में रिजल्ट, सभी लोग को तो कन्फ्यूज इस बात का है कि अब रिजल्ट आएगा कब। तो इसके विषय में हमने CSBC में के द्वारा जानकारी लेना चाहें, पूरी जानकारी लेना चाहें वहाँ पर, क्योंकि आप सभी लोग कमेंट्स करते हैं क्या सर CSBC से आप कैसे जानकारी लेते हैं। तो दोस्त, ये चीज़ के बारे में बता दें, हम बिहार पुलिस से रिलेटेड हैं, बिहार पुलिस में हम हैं, तो हमारे साथी लोग ही वहाँ पे काम करता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमारे साथी लोग नहीं हैं। तो हमारे साथी लोग ही वहाँ पे रहता है, तो वहाँ से कुछ ना कुछ जानकारी सटीक मिलता है, ये तभी हम आप लोग को जानकारी देते हैं सटीक कि हम बता रहे हैं। और उसके बाद नहीं तो हम भी आपको 23 तारीख का फाइनली हम भी कह देते हैं कि 23 तारीख का रिजल्ट आ रहा है, 29 तारीख का रिजल्ट आ रहा, 30 तारीख का रिजल्ट आ रहा। जब 23 तारीख का रिजल्ट आने की बात हुई थी तो हम कंटिन्यू उससे जानकारी लेना चाहे कि आया 23 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, 23 तारीख को रिजल्ट आ रहा, तो ऐसा कभी नहीं कहा कि 23 तारीख का रिजल्ट आएगा, एनी टाइम वो कहते रहे गलत है, कभी रिजल्ट आ ही नहीं सकता है 23 तारीख। और हम वीडियो भी बना के दे दिए थे आप लोगों को 23 तारीख का रिजल्ट नहीं आएगा, और फाइनली नहीं आया। अब बात रह गया कि रिजल्ट आएगा कब, तो जब वहाँ CSBC में जाकर के कुछ जानकारी लेने के लिए कोशिश की तो जानकारी वहाँ पे कुछ अलग टाइप के मिला दोस्त। ऑफिस में अभी गुप्तगु चल रहा है, गुप्तगु का मतलब आप लोग समझते होंगे, हम ओपनली होके बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि विभाग से रिलेटेड हैं, अगर ओपनली होकर हम इस चार्ज को बता दें कि वहाँ पर ये धांधली हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है, तो वैसे में हमारी नौकरी है यार, हम भी अपनी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते हुए आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि भाई आप लोग को सही जानकारी मिलते रहे। तो अभी रिजल्ट के विषय में, गुप्तगु के विषय में बता दें, गुप्तगु क्या हो रहा है आप लोग समझ सकते हैं। और फाइनली रिजल्ट के विषय में बता दें तो हम अपनी चैनल पे भी बताए थे कि 10 से 15 के बीच में रिजल्ट आ जाएगा, 10 से 15 के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, अब 10 से 15 के बीच में आपको मुश्किल से तो 50% चांस है कि 10 से 15 के बीच में आएगा रिजल्ट, और 50% कब आएगा इसके बारे में बताते हैं। तो इससे पहले हम आप लोग को एक सटीक जानकारी दे दें कि अगर आप मेरा कट ऑफ, मेरा फाइनली जो कट ऑफ बनाए हैं वो देखे होंगे तो बहुत अच्छा, बहुत आप लोग के लिए अच्छा है, उस कट ऑफ के रेंज में है, तो आपकी हर हाल में खुशखबरी है, जो कि हम कट ऑफ से संबंधित बिल्कुल फाइनली जानकारी लिए हैं और अच्छी तरह जानकारी जो हम बताए हैं कट ऑफ, सेम वही कट ऑफ जाने वाला है। तो आप जो देख लिए कट ऑफ वो बिल्कुल एकदम सेफ जोन में है, असुरक्षित है,
और जो कट ऑफ नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे आकर के कट ऑफ वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, कितना कट ऑफ पे वीडियो आपका रिजल्ट होने जा रहा है। और ऐसे आप लोग के सहूलियत के लिए, आप लोग के लिए सुविधा के लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल देते हैं, ताकि आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। अब बात रखिए दोस्तों, बिहार पुलिस 84-15 का फाइनली रिजल्ट के विषय में, कि रिजल्ट कब आएगा इसके विषय में जानकारी, तो जानकारी इसके विषय में जहाँ तक के मिली है दोस्तों कि 15 तारीख के अंदर 50% चांस है, और 15 तारीख के बाद, 15 तारीख के बाद कभी भी आपका रिजल्ट प्रकाशित किया जा सकता। अब आप इसमें बोल रहे हैं कि फाइनली डेट, बहुत सारा ऐसा कमेंट्स आता है कि सर ये तो हम भी जानते हैं, फाइनली डेट बताइए। तो फाइनली डेट दोस्तों इतना दिन पहले आप लोग किसी को भी जानकारी, कोई अगर यूट्यूबर बता दे कि हमको फाइनली डेट मालूम है हम बता देंगे, तो हम दावा करते हैं कि आज के बाद वीडियो बनाना छोड़ दें। दोस्तों ऐसा कहीं नहीं है कि कोई यूट्यूबर नहीं बता सकता फाइनली डेट कि हाँ इस डेट में आ जाएगा। हाँ फाइनली डेट कब होगा मालूम, जब डेट, जब आपका रिजल्ट आने वाला होगा 48 घंटा 24 घंटा या 12 घंटा पहले आप लोग को बता देगा कि हाँ अब फाइनली रिजल्ट इस डेट में आएगा। तो वो तो हम आप लोग को क्लियर कर रहे हैं कि आप हमको रिजल्ट आने से 48 घंटे पहले हम आप लोग को बता देंगे कि इस डेट में रिजल्ट आएगा। तो बस आप कंटिन्यू सिर्फ चैनल पे बने रहें और वीडियो को देखते रहें, जब जो वीडियो हम डालते हैं कि हाँ किस क्या है नहीं है इस विषय, इस वीडियो में, ताकि आपको सही जानकारी मिलते रहे। तो दोस्तों आप लोग को ये जो जानकारी हमें मिला वो जानकारी देने की पूरी कोशिश किए, और उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी को समझने की कोशिश भी किए होंगे, समझ भी गए होंगे। तो अब इसके बाद जो अगर कोई जानकारी किसी तरह का आता है तो फिर तुरंत हम वीडियो बना के डालते हैं। इससे पहले देखें दोस्तों 3 दिन तक 4 दिन तक मेरा वीडियो नहीं गया, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई जानकारी नहीं आ रहा था, तो फालतू हम क्या बना कर देते। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे लेकिन वीडियो कुछ बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि जानकारी नहीं था। हम जान रहे थे कि जाएंगे छुट्टी, उसके बाद कुछ जानकारी लेंगे, तभी हम इन लोग आप लोग को कुछ जानकारी दे सकते हैं। तो दोस्तों जो हम जानकारी लिए सारे जानकारी आप लोग को दिए और आप लोग सुने समझे, तो आप लोग कुछ दिन इंतज़ार और कर लीजिए। इंतज़ार करना लाजमी है, जब तक रिजल्ट नहीं आते जब तक तो इंतज़ार करना होगा। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही अप टू डेट कुछ जानकारी आती है दोस्तों, तो हम वैसे ही अप टू डेट वीडियो लेकर के आएंगे। तो अभी फ़िलहाल हमें दे इजाज़त, फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। जय हिंद, जय भारत।